देख रहे हो ये स्पॉन्जी सा ढोकला कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। तो आपका ये ढोकला एकदम सॉफ्ट बने और बिल्कुल भी ड्राई ना हो अंदर से, इसकी हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज देखेंगे बनाते टाइम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये यूनिक सी एक बेसन की रेसिपी हम आज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसन लिया है, चने का जो आटा होता है 2 कप, नमक लेंगे स्वादानुसार और हल्दी ली है 1/2 छोटी चम्मच। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बेसन बहुत टाइम तक रखा रहता है तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं। एंड ये छानने के बाद हमने यहाँ पे अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, ये अच्छा फ्लेवर देता है। और चीनी डाली है हमने 1 चम्मच और तेल 2 बड़ी चम्मच हम यहाँ पे लेंगे। एंड इन सब चीज़ों को एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड जब ये मिक्स हो जाएंगी फिर हमने यहाँ पे छाछ ली है। तो अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही में भी थोड़ा सा पानी मिला के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टिप्स हैं मैं आपको बताती हूँ। जो अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है उससे फ्लेवर आएगा, एंड दूसरी जो हम छाछ यूज़ करेंगे वो एकदम खट्टी होनी चाहिए, तो उससे हमारा ढोकला अच्छे से फूलेगा। हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। एक यहाँ पे मैंने राउंड टिन लिया है, तो अगर आपके पास स्क्वायर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको हम अच्छे से एक बार ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला जो टिन आता है वो लिया है, और इसके बाद हम इसमें बटर पेपर डालेंगे। तो बटर पेपर टोटली ऑप्शनल है। फिर मैंने यहाँ पे स्टीमर रखा है जिसमें पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। एंड जैसे ही जब आपको ये डालना हो, जब आपका बॉईल हो जाए पानी, उसी टाइम पे आप तुरंत इसमें ईनो मिलाएं। एंड ईनो मिलाने के बाद आप देखेंगे इसमें ऐसे एयर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये बैटर ख़राब होने जैसा लगेगा, तो इसका मतलब ये हमारा रेडी है। हम उसको तुरंत अपने टिन में पोर कर लेंगे, एंड पोर करने के बाद इसको हम अपने स्टीमर में रख देंगे। तो ईनो आप तभी मिलाएं जब हमें जस्ट स्टीमर पर रखना हो। हम इसको 20 से 30 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ढोकला 1/2 घंटे मैंने यहाँ पे रखा था। आप टूथपिक या नाइफ इसमें डाल के चेक कर लें, अगर वो क्लीन निकलती है इसका मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। तो इसको एक बार अच्छे से ठंडा हो जाने दें, एंड ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो साइड से मैंने चाकू डाल के इसकी एजेस निकाल ली थी, एंड हम उल्टा करके, तो मैंने बटर पेपर यहाँ पे इसलिए निकाला था सो दैट ये स्मूथली इसका जो टॉप है वो निकल के आए। आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी बना है। उसके बाद हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो अगर आपका स्क्वायर है, जो आपका मोल्ड होता है, अगर वो स्क्वायर है तो आपके पीसेस ज़्यादा अच्छे कटेंगे। तो मेरे पास ये राउंड टिन था, तो मैंने उसमें ये पीसेस अपने सारे के सारे ढोकले के कट कर लिए हैं। तो अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने तेल लिया है, राई ली है 2 चम्मच, आप छोटी वाली राई लेना, थोड़ी सी हींग डाली है, और मिर्ची को हम बीच से स्लिट करके इसमें डाल लेंगे। उसके बाद हम 7 से 8 करी पत्ता इसमें डाल लेंगे। एंड जैसे ही वो हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी ली है। चीनी इसमें डालने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे, एंड मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है, और पानी को एक बार अच्छे से आप 2 मिनट तक उबाल लेंगे। एंड उसके बाद ये जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, हमें एक्चुअली गुनगुना पानी यूज़ करना होता है इसमें, जो हमारा ये तड़का है। एंड ढोकला भी हल्का सा गर्म होना चाहिए, दोनों चीज़ें हल्की हल्की गर्म होंगी तो ये अच्छे से सोख लेगा। एंड उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, एंड आप देखेंगे बाद में निकाल के ये कितना सॉफ्ट बना है। तो अगर आप सारी की सारी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके बनाएंगे तो आपका भी ऐसा ही ढोकला बनेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।